हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिंटू कुमार शर्मा। आज प्रूनिंग के बाद क्या फीडिंग दें जो प्लांट अच्छा ग्रोथ ले। आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्रूनिंग किया हुआ प्लांट है और अच्छा ग्रोथ लिया हुआ है। हल्का छोटा छोटा बड भी आ रहा है, लेकिन अभी हम इसमें बड नहीं लेंगे, क्योंकि अगर बड लेते हैं तो ये अपना ग्रोथ लेगा नहीं, पूरा बड को बनाने में ही लगा देगा ग्रोथ सारा। तो इसके लिए हम लोग इसको हल्का सा कटिंग कर देंगे, बड को हटा देंगे। इसके बाद देख सकते हैं कि इसमें क्या फीडिंग दें। इस तरह का ग्रोथ में जो प्लांट जब इस पीरियड में रहा है प्रूनिंग के बाद, तो इसमें हम फीडिंग क्या देंगे। तो इसके लिए फीडिंग है पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, जो बेस्ट होता है इसके लिए। अभी इस पीरियड में सप्ते में एक बार देना है, और वो 20 लीटर पानी में 10 ग्राम लेना है पोटेशियम नाइट्रेट, और 8 ग्राम तक लेना आपको कैल्शियम नाइट्रेट। मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट है 99%, बारह ग्राम पॉइंट एट इतना चलेगा। इसको हम डालें, ये तुरंत ही पानी में घुल जाता है। 20 लीटर पानी में हम डाल रहे हैं इसको। इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट लेंगे। ये 8 ग्राम पॉइंट 3 है। ये डब्बा 1 लीटर का है, इसमें 1 लीटर मिनिमम आ ही जाता है पानी। और इस तरह से सारा प्लांट में हम लोग रूट में डाल देंगे। ये सप्ताह में एक बार फीडिंग देना है, और कैल्शियम नाइट्रेट तो सप्ताह में एक बार देना ही चाहिए प्लांट के लिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है कैल्शियम नाइट्रेट का प्लांट में, खास करके रोज की प्लांट में ये अनिवार्य होता है। सप्ताह में एक बार कैल्शियम नाइट्रेट आप लोग जरूर दें। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।